इस कहानी की शुरुआत में हमें डंबलडोर को दिखाया जाता है जो प्रोफेसर मैकगोनल के साथ प्रिवेट ड्राइव नाम के एक टाउन में आए होते हैं। वो अपनी पावर से वहाँ के पूरे टाउन की लाइट को खराब कर देते हैं। तभी वहाँ पर हैग्रिड भी आ जाता है जो अपने साथ एक बच्चे को लाया होता है, क्योंकि उस बच्चे जिसका नाम हैरी पॉटर होता है उसके माँ बाप को वोल्डेमॉर्ट नाम के एक दुष्ट जादूगर ने मार दिया था, लेकिन वो पॉटर को नहीं मार पाए और पॉटर के सिर पर एक बोल्ट का निशान बन गया। और ये कोई मामूली निशान नहीं था, क्योंकि ऐसा निशान सिर्फ खतरनाक शैतान के शाप से ही बन सकता था। हैग्रिड पॉटर को डंबलडोर को दे देता है, क्योंकि वो यहाँ पॉटर को उसके चाचा चाची के पास छोड़ने आए थे। प्रोफेसर मैकगोनल डंबलडोर से कहती है कि हैरी को यहाँ छोड़ना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैंने इन लोगों पर दिन भर नजर रखी और ये बिल्कुल गंदी तरह के मगलू लोग है। मगलू उन लोगों को कहा जाता है जो जादू नहीं जानते। डंबलडोर मैकगोनल से कहते हैं कि इसके अलावा अब पॉटर का कोई नहीं है और ये आगे चलकर बहुत नाम कमाएगा, लेकिन अभी इसके लिए दुनिया से बचना ही बेहतर होगा जब तक कि ये 11 साल का ना हो जाए। और वो हैरी को घर के बाहर छोड़ देते हैं। फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हैरी अब बड़ा हो चुका है और जल्दी उसका 11वां जन्मदिन आने वाला था, मगर उसके चाचा वर्नोन और चाची पेंटिनियो उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और अपने घर के सभी काम उससे करवाते थे। और उनका बेटा डेडली भी हैरी को बहुत परेशान करता था। आज डेडली का बर्थडे होता है, इसीलिए वो सभी घूमने के लिए एक जू में आते हैं जहाँ डेडली एक सांप को परेशान करने लगता है। ये देखकर हैरी उस सांप से माफी मांगता है तो सांप हैरी से बात करने लगता है। हैरी उस पायदान से कहता है कि मैं जानता हूँ कि एक सेल में बंद रहना कैसा लगता है। तभी डेडली वापस वहाँ पर आ जाता है जो हैरी को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। ये देखकर हैरी अपनी मैजिकल पावर से सेल के कांच को गायब करके डेडली को सेल के अंदर गिरा देता है। इससे पायथन बाहर आ जाता है और वो हैरी को उससे आजाद कराने के लिए थैंक्स कहकर वहाँ से निकल जाता है। डेडली सेल से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो सेल वापस से बंद हो चुका था। इससे हैरी के चाचा समझ जाते हैं कि ऐसा हैरी ने किया है, जिससे वो घर आकर उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। लेकिन हैरी उन्हें कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो एक जादूगर था। और उसके चाचा उसे रूम में बंद कर देते हैं। अगले दिन हैरी के लिए हॉगवर्ट्स से एक चिट्ठी आती है, लेकिन उसके चाचा उसे पढ़ने नहीं देते और उसे फाड़ देते हैं। लेकिन अगले दिन बहुत सारे उल्लू चिट्ठियां लेकर आने लग जाते हैं, जिससे उनका पूरा घर चिट्ठियों से भर जाता है। इससे हैरी के चाचा पूरी तरीके से पागल हो जाते हैं और उन खत से बचने के लिए एक सुनसान टापू पर अपनी पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। आज हैरी का बर्थडे होता है और वो खुद ही अपने आप को विश करता है। तभी वहाँ पर हैग्रिड दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आ जाता है, जिससे सभी बहुत डर जाते हैं। हैग्रिड हैरी को अपना बनाया हुआ केक देते हैं। हैरी हैग्रिड से पूछता है कि आप कौन है, तो हैग्रिड उसे बताता है कि हम हॉगवर्ट्स और उसकी चाबियों के पहरेदार हैं और तुम एक जादूगर हो और तुम्हारे माता पिता भी एक जादूगर थे। हैरी इससे बहुत हैरान होता है, क्योंकि उसके चाचा चाची ने इसके बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। हैग्रिड हैरी से कहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छे और महान जादूगर बनोगे, बस तुम्हें कुछ साल ट्रेनिंग लेनी होगी, जिसके लिए तुम्हें मेरे साथ हॉगवर्ट्स चलना होगा। और वो उसे खत देते हैं जो उन्होंने कई बार उसके घर भेजा था। उसमें लिखा होता है कि हैरी को हॉगवर्ट्स यानी कि जादूगरी और तंत्र के विद्यालय के लिए स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन उसके चाचा हैग्रिड से कहते हैं कि यह वहाँ नहीं जाएगा और वो डंबलडोर की बेइज्जती करने लगते हैं, जिससे गुस्सा होकर हैग्रिड जादू से डेडली की टेल उगा देता है। इससे वो काफी डर जाते हैं। हैग्रिड पॉटर से कहते हैं कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा और उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन हैरी को हॉगवर्ट्स में एडमिशन के लिए कुछ चीजों की जरूरत थी, इसलिए हैग्रिड उसे एक खुफिया जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ सभी लोग हैरी को देखकर बहुत हैरान होते हैं और उसे देखकर डर जाते हैं। हैरी की मुलाकात वहाँ प्रोफेसर क्यूरियल से होती है, जो हैग्रिड में गुप्त कलाओं के विषय पढ़ाते थे, और वो भी हैरी से डर रहे होते हैं। यह देखकर हैरी बहुत हैरान होता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि सभी उसे कैसे जानते हैं, इसलिए हैग्रिड से इस बारे में पूछता है। हैग्रिड एक गुप्त रास्ते से होते हुए उसे डायगन गली में लेकर जाता है जहाँ जादूगरों की जरूरतों के हर सामान मिलते थे। हैरी वहाँ सभी अजीब अजीब चीजों को देखकर बहुत हैरान होता है और वो हैग्रिड से पूछता है कि मेरे पास इन चीजों को खरीदने के पैसे नहीं है। तो हैग्रिड उसे जादूगरों के बैंक लेकर जाते हैं जहाँ सभी गोमलिन काम करते थे, और एक गोमलिन उन्हें हैरी के माता पिता की तिजोरी के पास लेकर जाते हैं जहाँ हैरी के माता पिता ने उसके लिए बहुत सारा खजाना रखा था, जिसे देखकर हैरी बहुत हैरान होता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसके माता पिता उसके लिए कुछ छोड़कर
नहीं गए होंगे। फिर उन्हें तिजोरी 713 पर लेकर जाता है, जहाँ से डंबलडोर ने हैग्रिड को एक खास चीज लाने के लिए भेजा था। इसलिए जब हैरी उनसे पूछता है कि इस लॉकर में क्या है, तो हैग्रिड उसे कुछ नहीं बताते और कहते हैं कि इसमें बहुत ही खास चीज है, इसलिए मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। और हैग्रिड उस चीज को अपने पास रख लेता है। फिर पॉटर ओलिवांडर शॉप में जादू की छड़ी लेने जाता है, जहाँ शॉपकीपर हैरी को अलग अलग तरह की छड़ी दिखाता है, क्योंकि जादुई छड़ी खुद ही अपने मालिक को चुनती थी, लेकिन उन छड़ी में से कोई भी हैरी को नहीं चुनती। इसलिए शॉपकीपर उसे एक खास तरह की छड़ी देते हैं, जो छड़ी हैरी को छून लेती है। इससे शॉपकीपर बहुत हैरान होते हैं और पॉटर को बताते हैं कि ये छड़ी जिस माया पंछी के पर से बनी है, उन पंछी ने सिर्फ दो ही पर दिए थे, जिसमें से एक पर आपकी छड़ी में है और दूसरा आपके दुश्मन वोल्डेमॉर्ट की, जिसने आपके माता पिता को मारा और आपको ये लाइटिंग बोल्ट का निशान दिया। तभी हैग्रिड वहाँ पर आ जाते हैं, जो हैरी के लिए एक उल्लू लेकर आए थे, जिसका नाम वो हैग्रिड रखते हैं। वो दोनों जब साथ में खाना खा रहे होते हैं, तब पॉटर हैग्रिड से वोल्डेमॉर्ट के बारे में पूछता है। तो हैग्रिड उसे बताते हैं कि सभी जादूगर अच्छे नहीं होते और कुछ बुरे भी बन जाते हैं, जिन्हें में से एक था वोल्डेमॉर्ट, क्योंकि वो शैतानी ताकतों की पूजा करने लगा था और कुछ लोग भी उसके साथ हो गए। इसलिए तुम्हारे माता पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसकी ताकत के सामने कोई नहीं बचा। और जब उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, तो उसका जादू पलट गया, जिससे तुम्हारे सर पर बोर्ड का निशान है, लेकिन तुम पर वार करने के श्राप की वजह से वो मर गया। लेकिन मुझे लगता है कि वो यहीं आसपास है और बुरी हालत में अपना गुजारा कर रहा है, इसीलिए तुम मशहूर हो, क्योंकि वो तुम्हें नहीं मार पाया था। फिर होगवर्ट जाने के लिए स्टेशन पर आ जाते हैं, जहाँ हैग्रिड हैरी से कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मुझे अभी जाना होगा, क्योंकि मुझे डंबलडोर को वो खास चीज देनी है। और उसे होगवर्ट जाने वाली ट्रेन का टिकट देते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में ट्रेन छूटने वाली थी। हैरी इससे बहुत हैरान होता है, क्योंकि उस टिकट पर प्लेटफॉर्म नंबर 10 लिखा हुआ था, मगर इस नंबर का तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता। इसलिए हैग्रिड से इस बारे में पूछता है, लेकिन हैग्रिड वहाँ से गायब हो चुका था। तो पॉटर अपना सामान लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 10 को ढूंढने लग जाता है, लेकिन तभी उसे वहाँ एक लेडी दिखाई देती है, जो भी अपने बच्चों को होगवर्ट भेज रही थी। और वहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर जाने वाला एक रास्ता एक दीवार के बीच बना हुआ था। पॉटर ये देखकर बहुत हैरान होता है और वो भी उस दीवार की मदद से प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर पहुंच जाता है, जहां उसे होगवर्ट एक्सप्रेस दिखाई देती है। फिर वो ट्रेन में बैठकर होगवर्ट यूनिवर्सिटी की तरफ निकल जाता है। पॉटर की मुलाकात रोन वेस्ली से होती है, जो भी पहली बार होगवर्ट जा रहा था, और बहुत ही जल्दी उनमें दोस्ती हो जाती है। तभी वहाँ हरमाइनी नाम की लड़की आती है, जो हैरी के टूटे हुए चश्मे को ठीक कर देती है, लेकिन हरमाइनी को कोई ज्यादा पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट थी। फिर वो सभी प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं, जहाँ हैग्रिड मौजूद होता है, जो सभी बच्चों को नाव से लेकर होगवर्ट यूनिवर्सिटी में ले जाता है। होगवर्ट यूनिवर्सिटी को देखकर सभी बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी और खूबसूरत थी। वहाँ पहुँचने पर प्रोफेसर मैकगोनल उनका स्वागत करती है, जो सभी को बताती है कि आप सभी कुछ ही समय बाद बाकी बच्चों से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने अपने दलों में शामिल किए जाएंगे। दरअसल होगवर्ट में बच्चों के 4 दल होते हैं, जिनके नाम गरुड़ द्वार, मेहनतकश, चिलगात और नाग शक्ति थे। साथ ही मैकगोनल सभी बच्चों को ये भी बताती है कि जब तक आप इस स्कूल में रहोगे, आपका दल ही आपका परिवार होगा, और अगर आपने अच्छे काम किए तो आपको पॉइंट मिलेंगे, और अगर आपने नियम तोड़े तो आपके पॉइंट घटा दिए जाएंगे, और हमेशा की तरह हर साल के आखिर में सबसे ज्यादा पॉइंट वाले दल को ट्रॉफी दी जाएगी। डेग्रो नाम का लड़का पॉटर के पास आता है, जो उसे जॉन के साथ देख कर कहता है कि होगवर्ट में कुछ परिवार आम परिवारों से ऊपर होते हैं, इसलिए मुझे पता है कि तुम निचले वर्ग के लोगों के साथ दोस्ती नहीं करना चाहोगे। तो हैरी उसे कहता है कि सही और गलत की पहचान मैं खुद कर सकता हूँ, और तुम्हें मुझे कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उन्हें होगवर्ट के हॉल में लेकर जाया जाता है, जहाँ सभी बच्चे मौजूद होते हैं, और वहीं जादुई हेड के द्वारा सभी बच्चों को उनके दलों में चुना जाएगा। लेकिन प्रोफेसर डंबलडोर इससे पहले सभी को होगवर्ट के नियम बताते हैं कि घने जंगल में जाना सख्त मना है, और हमारे पहरेदार मिस्टर फिंच 3री मंजिल की हिफाजत करते हैं, और कोई भी उस मंजिल पर
नहीं जाएगा और अगर कोई गया तो उसकी मौत का जिम्मेदार वो खुद होगा। फिर वो जादुई हेड से सभी बच्चों को उनकी सूझबूझ और समझदारी के हिसाब से अलग अलग दल में चुना जाता है, जिसमें से कुछ बच्चे मेहनतकश दल में शामिल होते हैं तो कोई नाग शक्ति में, और डेकरो भी नाग शक्ति के लिए चुना जाता है। तो रोन पॉटर को बताता है कि नाग शक्ति से ही सभी बुरे जादूगर और जादूगरनियां बनती है, इसीलिए वो दल बहुत बेकार है। इसीलिए जब पॉटर की बारी आती है तो जादुई टोपी से उसे नाग शक्ति में न रखने की मांग करता है, तो टोपी भी उसकी बात मान लेती है और उसे गरुड़ द्वार के लिए चुना जाता है। हरमाइनी और रोन भी गरुड़ द्वार में शामिल होते हैं, जिससे वो सभी बहुत खुश होते हैं। फिर सभी स्टूडेंट अपने अपने दल के साथ खाना खाते हैं। फिर सभी सोने के लिए अपने अपने कमरे में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि ऊपर जाने की सीढ़ियां हिल रही है, क्योंकि यहां सीढ़ियां हर वक्त बदलती रहती थी। फिर सभी अपने अपने दलों के कमरे में जाकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन सभी अपने अपने क्लास में आ जाते हैं, जहाँ पहला लेक्चर प्रोफेसर स्नेप का होता है, जो नागदल के प्रमुख थे और वो जादुई कारों के बारे में बताया करते थे। लेकिन पॉटर उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता, इसीलिए उस पर गुस्सा होते हैं और उससे सवालों के जवाब पूछने लगते हैं। लेकिन हैरी को कुछ याद नहीं होता, मगर हरमाइनी को सब कुछ याद था, इसीलिए वो बार बार अपना हाथ ऊपर कर रही थी। लेकिन स्नेप उससे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे, क्योंकि वो पॉटर को बेइज्जत करना चाहते थे। इसीलिए वो सभी से कहते हैं कि मशहूर होने से कुछ नहीं होता, लोगों के पास काबिलियत भी होनी चाहिए। तो पॉटर भी उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि आपने अभी तक हमें कुछ नहीं पढ़ाया। तो पॉटर को सभी सवालों के जवाब बताते हैं। फिर दिखाया जाता है कि जब सभी स्टूडेंट साथ में हॉल में बैठकर पढ़ रहे होते हैं, तभी सभी के लिए खत आते हैं। लेकिन पॉटर को किसी ने कुछ नहीं भेजा था, इसीलिए रोन का अखबार पढ़ता है, जिसमें जादूगरों के बैंक को लूटने की खबर छपी हुई थी। इसीलिए इस बारे में रोन को बताता है कि कुछ जादूगरों ने तिजोरी नंबर 713 से कुछ लूटने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ लूटा नहीं गया। तो पॉटर को भी याद आता है कि जब वो हैग्रिड के साथ बैंक गया था तो उन्होंने वो चीज वहाँ से निकाल ली थी। फिर हम देखते हैं कि सभी बच्चे मैडम हुच की क्लास में आ जाते हैं, जो सभी बच्चों को जादुई झाड़ू से उड़ने के बारे में सिखाती है। वो सभी बच्चों को बताती है कि तुम्हें अपने जादू को कंट्रोल करना आना चाहिए, जिसके लिए तुम्हें मन से इसे कंट्रोल करना होगा, और उड़ने के लिए तुम्हारे पैरों को जोर से ऊपर करना होगा, और उड़ने के बाद वापस से धीरे से नीचे आना होगा। लेकिन लॉन्ग बॉटम नाम का लड़का गलती से उड़ने लग जाता है और उसे झाड़ू कंट्रोल करना नहीं आता, इसीलिए वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, जिससे उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। इसलिए मैडम हुच उसे अपने साथ ले जाती है और वो सभी बच्चों को उड़ने से मना करती है। तभी ड्रेको वहाँ से लॉन्ग बॉटम की जादुई बॉल उठा लेता है, इसलिए हैरी उससे वो बॉल वापस मांगता है। लेकिन ड्रेको उसे बॉल नहीं देता और हवा में उड़ने लग जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि हैरी को उड़ना नहीं आता। लेकिन हैरी झाड़ू लेकर उड़ने लग जाता है और ड्रेको से बॉल छीनने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रेको उस बॉल को स्कूल की तरफ फेंक देता है। लेकिन हैरी फुल स्पीड में उस बॉल को पकड़ लेता है। यह देखकर मैकगोनल बहुत हैरान होती है, क्योंकि हैरी बहुत अच्छी तरीके से उड़ रहा था। सभी बच्चे हैरी के इस काम से बहुत खुश होते हैं, मगर प्रोफेसर मैकगोनल हैरी को अपने साथ लेकर जाती है, जहां पॉटर को ओलिवर वुड से मिलवाती है, जो गरुड़ द्वार का सीनियर स्टूडेंट था, और वो पॉटर को क्यूजिट गेम में उसकी टीम का खोजी बना देती है। पॉटर इस बारे में रोन को बताता है, जिससे वो दोनों खुश होते हैं। लेकिन पॉटर इस गेम को खेलने से डर रहा होता है, क्योंकि उसे लगता था कि वो कोई गलती कर देगा। लेकिन तभी हरमाइनी उनके पास आती है और वो पॉटर को बताती है कि तुम कोई गलती नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पिता भी एक अच्छे खोजी थे जो इस गेम में माहिर थे। इससे पॉटर खुश होता है। फिर वो तीनों अपने रूम में जा रहे होते हैं, लेकिन तभी सीढ़ियां बदल जाती है और वो तीसरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वो वहां खौफनाक चीजें देखकर वापस नीचे आने लगते हैं। लेकिन तभी पहरेदार फिंच की बिल्ली वहां पर आ जाती है, इसलिए फिंच की नजरों से बचने के लिए वहाँ से अंदर की तरफ भागने लगते हैं, और वो एक लॉक दरवाजे के अंदर चले जाते हैं, जिससे वो फिंच की नजरों से बच जाते हैं। लेकिन जब वो अंदर देखते हैं तो वहाँ तीन सर वाला एक डॉग सोया हुआ होता है, मगर उन तीनों की वजह से जाग जाता है। वो उन पर हमला करने लगता है, लेकिन इससे पहले ही वो वहाँ से निकल जाते हैं। वो तीनों काफी डर जाते हैं और रोन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना खतरनाक जानवर यहाँ क्या कर रहा है। तो हरमाइनी उन्हें बताती है कि उस कमरे में कुत्ते के नीचे एक दरवाजा था,
इसका मतलब है कि वो यहाँ किसी चीज की हिफाजत कर रहा है। ये कहकर वो सोने चली जाती है। अगले दिन ओलिवर पोटर को क्यूडिस गेम के बारे में बताने के लिए बाहर लेकर आता है, जहाँ पोटर को बताता है कि क्यूडिस एक बहुत ही आसान गेम है। हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से 3 धावक, 2 मारक, 1 रक्षक और 1 खोजी, और हमारी टीम के खोजी तुम हो। फिर उसे क्यूडिस गेम की गेंद दिखाता है और बताता है कि धावक को इन बॉल को रिंग में डालना होता है और रक्षक जो कि मैं हूँ उसका काम उन गेंदों को रोकना होता है। फिर वो पोटर को एक गोल्डन गेंद दिखाता है जिसे खोजी को पकड़ना होता है, क्योंकि वो गेंद बहुत तेज होती थी, इसीलिए जिस टीम का खोजी उस गेंद को पकड़ लेगा उसकी टीम जीत जाएगी, क्योंकि उस गेंद को पकड़ने पर 150 पॉइंट मिलते थे। रात को जब सभी स्टूडेंट साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तो पोटर को वहाँ हरमाइनी नजर नहीं आती, तो एक लड़का उसे बताता है कि हरमाइनी ने खुद को बाथरूम में बंद कर रखा है और वो पूरे दिन से रो रही है, क्योंकि रोन ने उसका मजाक उड़ाया था कि उसका कोई दोस्त नहीं है। तभी वहाँ प्रोफेसर क्यूरिल भागते हुए आते हैं और डंबलडोर को बताते हैं कि तहखाने में दैत्य घुस गया है। सभी बच्चे इससे काफी डर जाते हैं, तो डंबलडोर सभी को शांत करते हैं और सभी मॉनिटर के साथ बच्चों को उनके रूम में भेज देते हैं। लेकिन पोटर को याद आता है कि हरमाइनी बाथरूम में है, इसलिए वो रोन के साथ उसे बचाने जाता है। लेकिन वो देखते हैं कि वो दैत्य लड़कियों के बाथरूम की तरफ जा रहा है। हरमाइनी उस दैत्य को देखकर काफी डर जाती है और वो दैत्य हरमाइनी को मारने लगता है। तभी हैरी और रोन भी वहाँ जाते हैं और वो लकड़ियों से दैत्य पर वार करके हरमाइनी को बचाने की कोशिश करने लगते हैं, और हैरी अपनी छड़ी उस राक्षस के नाक में घुसा देता है, जिससे गुस्सा होकर वो राक्षस हैरी को पकड़ लेता है। ये देखकर रोन पोटर को बचाने के लिए पहली दफा अपनी छड़ी से सही मैजिक करता है और उस दैत्य के हथियार को उसके ऊपर ही गिराकर उसे बेहोश कर देता है। तभी सारे टीचर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। प्रोफेसर मैकगोनल हैरी, रोन और हरमाइनी पर गुस्सा करती है, क्योंकि उन्होंने अपनी जान खतरे में डाली थी। तभी हैरी देखता है कि प्रोफेसर स्नेप के पाँव में घाव लगा हुआ है, जिससे वो बहुत हैरान होता है, और अब हरमाइनी, रोन और हैरी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन जब हैरी स्नेप को लंगड़ाते हुए देखता है, तो हरमाइनी को बताता है कि कल स्नेप ने दैत्य को खुला छोड़ा ताकि वो 3 सर वाले कुत्ते के पास जाकर वो खास चीज चुरा सके जो हैग्रिड बैंक से लेकर आए थे। लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वो खास चीज क्या हो सकती है। तभी एक उल्लू हैरी की डाक लेकर आता है। हैरी इसे बहुत हैरान होता है, क्योंकि उसे चिट्ठी भेजने वाला कोई नहीं था। वो जब उस चीज को खोलते हैं तो उसमें बेहद ही नायाब उड़ने वाला झाड़ू होता है, जिसका नाम निम्बस 2000 था, जो सबसे फास्ट उड़ता था। हैरी मैकगोनल की मुस्कान देखकर समझ जाता है कि उन्होंने ही उसे ये तोहफा दिया है। इससे हैरी खुश होता है। फिर दिखाया जाता है कि वो वक्त आ जाता है जब क्यूडिस खेल स्टार्ट होने वाला था, जिसमें सभी गरुड़ द्वार के खिलाड़ी अपने जाड़ों के साथ मैदान में आ जाते हैं, और थोड़ी देर बाद नाग शक्ति की टीम भी वहाँ पर आ जाती है। फिर मैडम मुझ ह्यूडिस गेंद को आसमान में फेंक कर गेम स्टार्ट करती है, और वो सुनहरी गेंद भी इधर उधर उड़ने लगती है। हैरी की टीम बहुत अच्छे से खेलने लगती है और वो एक के बाद एक गोल करते जा रहे थे। ये देखकर नाग शक्ति की टीम चीटिंग करके धोखे से उन्हें नीचे गिराने लगते हैं, जिससे उनकी टीम हारती जा रही थी। ये देखकर पोटर गोल्डन बॉल को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लग जाता है, लेकिन तभी उसका झाड़ू बेकाबू होने लगता है, जिससे सभी बहुत हैरान होते हैं। हरमाइनी प्रोफेसर स्नेप को देखकर समझ जाती है कि वो पोटर के झाड़ू पर जादू कर रहा है, इसीलिए उसके पास जाकर उसके चौके में आग लगा देती है, जिससे उसका ध्यान हैरी से हट जाता है, और हैरी वापस अपने झाड़ू पर कंट्रोल पाकर उस गोल्डन बॉल को पकड़ने की कोशिश करने लग जाता है। नाग शक्ति का खोजी भी उस बॉल को पकड़ने के लिए हैरी को नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन हैरी खुद को संभाल लेता है और वो अपने झाड़ू पर खड़ा होकर गोल्डन बॉल को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी वो नीचे गिर जाता है, और सभी को लगता है कि हैरी बॉल नहीं पकड़ पाया। लेकिन अगले ही पल वो बॉल को अपने मुंह से बाहर निकाल लेता है, क्योंकि नीचे गिरते वक्त वो बॉल उसके मुंह में चली गई थी। इससे हैरी की वजह से गरुड़ द्वार की टीम जीत जाती है। इससे उसकी टीम के सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि हैरी, रोन और हरमाइनी हैग्रिड को समझाने की कोशिश करते हैं कि स्नेप ने ही हैरी के झाड़ू पर जादू किया था, लेकिन हैग्रिड उनकी बात नहीं सुनते। तो हैरी उन्हें कहता है कि स्नेप ने हेलोविन वाले दिन उस 3 सर वाले कुत्ते के पास जाने की कोशिश की थी। तो हैग्रिड उन्हें कहता है कि तुम्हें उस कुत्ते के बारे में कैसे पता चला, उसका नाम फ्लफी है और मैंने उस फ्लफी को डंबलडोर को दिया था।
था जो उनकी एक खास चीज की हिफाजत कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता क्योंकि इससे तुम्हारी जान को खतरा है। इसीलिए तुम्हें डंबलडोर और निकोलस फ्लामेल के निजी मामले में दखल नहीं देना चाहिए। और वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अभी भी उन तीनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर निकोलस फ्लामेल कौन है। इसीलिए उसके बारे में पता करने की कोशिश करने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद क्रिसमस स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए हरमाइनी अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए वापस घर जा रही होती है। इसीलिए वो हैरी और रोन के पास आती है जहाँ जादुई शतरंज खेल रहे होते हैं। हरमाइनी रोन से पूछती है कि क्या तुम भी मेरे साथ चल रहे हो, तो रोन उसे कहता कि मेरे पेरेंट्स अभी घर से बाहर गए हुए हैं, इसीलिए मैं नहीं चल सकता। तो हरमाइनी उन्हें निकोलस के बारे में गुप्त लाइब्रेरी से पता करने को कहती है क्योंकि वहाँ बच्चों को जाना मना था और अभी तक उन्हें निकोलस के बारे में कुछ पता नहीं चला था। अगले दिन जब हैरी की आँख खुलती है तो रोन उसे बताता है कि तुम्हारे लिए बहुत से गिफ्ट आए हैं, और हैरी को एक गिफ्ट मिलता है जिसके साथ एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे पापा ने मरने से पहले ये जादुई चीज मुझे दी थी, इसीलिए अब तुम्हें वापस लौटाने का वक्त आ गया है, लेकिन उसमें भेजने वाले का नाम नहीं लिखा होता। हैरी जब वो गिफ्ट खोलता है तो उसमें एक जादुई चोगा होता है जिसे पहनने पर कोई भी गायब हो सकता था। हैरी फिर रात को उस चोगे में छिपकर उस लाइब्रेरी में जाता है जहाँ बच्चों का जाना मना था। हैरी वहाँ बुक से निकोलस के बारे में पता करने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन तभी फिंच को लाइब्रेरी में किसी के आने का एहसास हो जाता है, इसीलिए उस तरफ आने लगते हैं। लेकिन हैरी खुद को उस चोगे में छिपा लेता है और वहाँ से बचकर एक कमरे में चला जाता है जहाँ उसे एक आईना दिखाई देता है जिसमे हैरी को उसके माता पिता दिखाई देते हैं, क्योंकि एक जादुई आईना होता है जो इंसानों को चीजें दिखाता था जिनकी इंसान चाहत रखते थे, उन्हें पाना चाहते थे। हैरी अपने माता पिता को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है और अब हैरी बहुत सहमा सा रहने लगा था, और वो रोजाना उस जादुई आईने के पास आकर घंटों तक उसमें अपने माता पिता को देखा करता था। इसीलिए डंबलडोर वहाँ हैरी से मिलने आते हैं और वो हैरी को समझाते हैं कि इस आईने की वजह से कई लोग तबाह हो गए, क्योंकि आईना ना तो हमें ज्ञान देता है ना ही सच्चाई, और अब तुम भी इस आईने के मायाजाल में फंस चुके हो, इसीलिए कल इस आईने को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा, और तुम इसे दोबारा खोजने की कोशिश मत करना क्योंकि ख्यालों में खोकर असली जिंदगी को भुला देना ठीक बात नहीं है। तो हैरी भी उनकी बात समझ जाता है और अब वो वापस अपनी जिंदगी को सही से जीने लग जाता है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हरमाइनी अब वापस लौट आई थी और कुछ ही दिनों बाद उन सभी के फाइनल एग्जाम होने वाले थे, इसीलिए और रोन को खेलने की बजाय पढ़ाई पर ध्यान देने को कहती है। और जब वो एक किताब पढ़ रहे होते हैं तो हरमाइनी को निकोलस के बारे में पता चलता है और वो अपने दोस्तों को बताती है कि निकोलस ही इकलौते से इंसान थे जो पारस पत्थर बना सकते हैं। पारस पत्थर एक पौराणिक वस्तु होती है जिसमें आश्चर्यजनक शक्तियां मौजूद है और ये किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है और आयु बढ़ाने वाला एक अमृत बनाता है जिसे पीने वाला अमर हो जाता है। और फिलहाल ऐसा पत्थर एक ही है जो निकोलस फ्लामेल के पास है। निकोलस एक जाने माने रसायन शास्त्री है जिन्होंने अभी हाल में अपना 665वां जन्मदिन मनाया। इससे हरमाइनी समझ जाती है कि जरूर तीसरी मंजिल पर पारस पत्थर है और फ्लफी उसकी रक्षा कर रहा है। तो तीनों इस बारे में हैग्रिड को बताने के लिए जंगल में बने हैग्रिड के घर में आ जाते हैं। जाओ हैग्रिड को बताते हैं कि हम पारस पत्थर के बारे में सब कुछ जान चुके हैं और हमें लगता है कि स्नेप उसे चुराना चाहता है। तो हैग्रिड उसे कहते हैं कि तुम गलत सोच रहे हो क्योंकि स्नेप भी बाकी के टीचर्स की तरह उस पत्थर को बचाना चाहता है। तभी हैग्रिड की नजर डेकरो पर जाती है जो हैरी और उसके दोस्तों पर नजर रख रहा था, और स्कूल जाकर प्रोफेसर मैकगोनल से हैरी और उसके दोस्तों की चुगली कर देता है। इसीलिए जब वो वापस स्कूल आते हैं तो प्रोफेसर मैकगोनल उन पर गुस्सा करती है क्योंकि बच्चों को रात को घने जंगलों में जाना मना था, इसीलिए सजा के तौर पर उनकी टीम के 50 पॉइंट घटा देती है और उनके साथ साथ ड्रेको को भी सस्पेंड कर देती है क्योंकि वो भी जंगल में गया था। इससे ड्रेको भी अपने जाल में फंस जाता है और फिंच उन्हें सजा के लिए वापस हैग्रिड के पास लेकर जाता है क्योंकि हैग्रिड को घने जंगल में एक शैतान को पकड़
पकड़ने जाना था जो रोजाना यूनिकॉर्न का खून पिया करता था। इसीलिए सजा के लिए हैग्रिड उन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं। इससे डिएगो काफी डर जाता है। फिर वो सभी हैग्रिड के साथ जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ रास्ते में हैग्रिड को यूनिकॉर्न का खून दिखाई देता है और हैग्रिड उन्हें बताते हैं कि हमें कुछ हफ्तों पहले एक यूनिकॉर्न मरा हुआ मिला था और अब किसी और यूनिकॉर्न को भी उस शैतान ने बुरी तरीके से जख्मी कर दिया है। इसीलिए हमें उस यूनिकॉर्न को बचाना होगा और डेक्रो और हैरी को अपने कुत्ते फेंग के साथ एक अलग डायरेक्शन में भेज देते हैं। और वो खुद हरमायनी और रोन के साथ दूसरी तरफ बढ़ने लगते हैं। हैरी और डेक्रो को वो यूनिकॉर्न नजर आ जाता है जिसका कोई शैतान खून पी रहा था। इससे पॉटर के बोर्ड के निशान पर दर्द होने लगता है। इतने में वो शैतान उन्हें देख लेता है जिससे डर कर डेक्रो और फेंग वहाँ से भाग जाते हैं। मगर पॉटर वहीं नीचे गिर जाता है और शैतान उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। मगर तभी वहाँ फेंग नाम का क्रिएचर आकर हैरी को बचा लेता है और शैतान वहाँ से भाग जाता है। फेंग हैरी से कहता है कि जंगल तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, इसीलिए तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें सब जानते हैं। पॉटर उनसे पूछता है कि उस शैतान ने यूनिकॉर्न को क्यों मारा था। तो फेंग बताता है कि यूनिकॉर्न बहुत ही पवित्र जानवर होते हैं और इनके खून को पीने से मरता हुआ आदमी भी बच सकता है, लेकिन इसका अंजाम भयानक होता है क्योंकि जो भी इस पवित्र जीव का खून पीता है उसे श्रापित जीवन मिलता है। और वो शैतान और कोई नहीं बल्कि वोल्डेमॉर्ट था जो श्रापित हो चुका है और उस पारस पत्थर को पाना चाहता है ताकि वो अमर हो सके। तभी हैग्रिड हैरी के दोस्तों के साथ वहाँ जाता है और वो फ्रेंच को देखकर खुश होता है क्योंकि उसे जानता था। फिर वो वापस से हॉगवर्ट्स में आ जाते हैं जहाँ हैरी अपने दोस्तों को वोल्डेमॉर्ट के बारे में सब कुछ बताता है कि वो पारस पत्थर हासिल करना चाहता है ताकि वो अमर हो सके और इससे वो ताकतवर भी हो जाएगा और मुझे मारने की कोशिश करेगा। और मुझे लगता है कि स्नेप भी वो पत्थर वोल्डेमॉर्ट के लिए हासिल करना चाहता है, इसलिए हमें डंबलडोर को इस बारे में बताना होगा क्योंकि वोल्डेमॉर्ट सिर्फ डंबलडोर से डरता है। इसीलिए उनसे मिलने के लिए प्रोफेसर मैकगोनल के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमें प्रोफेसर डंबलडोर से मिलना है। तो मैकगोनल उन्हें कहती है कि वो यहाँ नहीं है, वो अभी जादू के मंत्रालय गए हुए हैं। इससे हैरी काफी परेशान हो जाता है और वो अपने दोस्तों कहता है कि हमें स्नेप को रोकने के लिए उस दरवाजे के पार जाना होगा। और रात होते ही वो तीनों तीसरी मंजिल पर पहुँच जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि फ्लफी सोया हुआ है और वहाँ एक मधुर संगीत बज रहा था जिससे उन्हें पता चलता है कि स्नेप उनसे पहले ही तहखाने में घुस गया है। इसीलिए वो भी फ्लफी के पैर को गेट से हटाकर नीचे जाने लगते हैं, लेकिन तभी फ्लफी जाग जाता है और उन सभी पर हमला करने लगता है जिससे वो तीनों एक पेड़ पर गिर जाते हैं। दरअसल वो पेड़ एक शैतानी फंदा होता है जो उनके हिलने की वजह से उन्हें जकड़ने लगता है। हरमायनी को शैतानी फंदे के बारे में पता होता है, इसीलिए वो अपने दोस्तों को बताती है कि हमें शांत रहना होगा जिससे फंदा हमें खुद ब खुद छोड़ देगा। हैरी और हरमायनी जब ऐसा करते हैं तो सेफली बच जाते हैं, लेकिन रोन ऐसा नहीं करता जिससे वो फंदा उसे जकड़ता जा रहा था। इसीलिए हरमायनी मैजिक करके रोन को आजाद करवा लेती है। फिर वो तीनों आगे बढ़ते हैं जहाँ वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी चाबियाँ उड़ रही होती है। ये देखकर हैरी समझ जाता है कि उन सभी चाबियों में से एक चाबी उस बंद दरवाजे की होगी। उन्हें उन सभी चाबियों में से एक बहुत पुरानी चाबी दिखाई देती है जिसका पंख टूटा हुआ होता है और वही उस बंद दरवाजे की चाबी थी। इसीलिए हैरी वहाँ रखे जादुई झाड़ों से उड़कर उन चाबियों को पकड़ने लगता है, लेकिन वो चाबियाँ हैरी पर हमला कर देती है जिससे हैरी किसी तरह अपनी जान बचाकर असली चाबी हासिल कर लेता है। फिर वो गेट खोलकर अंदर आ जाते हैं जो जगह बिल्कुल शतरंज की तरह होती है, जिससे रोन समझ जाता है कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए शतरंज खेलना होगा क्योंकि वो जैसे ही दरवाजे की तरफ आगे बढ़ते हैं तो शतरंज के प्यादे उन पर हमला करने लगते हैं। इसीलिए रोन अपने दोस्तों के साथ शतरंज खेलने लगता है, लेकिन वो शतरंज जादुई शतरंज होता है जिसमें असलियत में वो मर सकते थे। मगर रोन बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलता है और वो उस गेम में घोड़ा बनता है, मगर उसका घोड़ा खेल में मारा जाता है जिससे रोन नीचे गिरकर घायल हो जाता है। लेकिन हैरी खेल जारी रखता है और वो एक गेम जीत जाते हैं जिससे आगे का द्वार खुल जाता है। मगर रोन की हालत काफी खराब थी, इसीलिए हैरी हरमायनी को रोन का ख्याल रखने को कहता है और वो खुद अकेला ही आगे बढ़ जाता है। जाओ देखता है क्यों तहखाने में स्नेप नहीं बल्कि क्यूरिल होता है, जिससे हैरी बहुत हैरान होता है। और वहाँ जादुई आईना भी पड़ा हुआ था। क्यूरिल उसे कहता है
कि स्नेप तुम्हें हर बार बचाना चाहता था और मैं तुम्हें मारना, क्योंकि मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम मेरे लिए खतरा बनोगे। इसीलिए उस दिन क्यूडीज मैच के दौरान मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की और स्नेप अपने मंत्रों से तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हें लगा कि वो तुम्हें मारना चाहता है, मगर उसके चौके में आग लगने की वजह से मेरा ध्यान भटक गया और मैं तुम्हें मारने में कामयाब नहीं हुआ। और हेलोवीन वाले दिन भी मैंने उस राक्षस को बाहर छोड़कर सभी का ध्यान भटकाया, लेकिन स्नेप को पता चल गया कि मैं कुछ बुरा कर रहा हूँ, इसलिए वो मुझे रोकने आया। फिर वो पॉटर से कहता है कि मैं इस जादुई आईने में खुद को पारस पत्थर के साथ नजर आता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसे कैसे हासिल करूँ। तभी उसे वोल्डेमॉर्ट की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे बताता है कि तुम पॉटर के जरिए पारस पत्थर को हासिल कर सकते हो। इसीलिए वो पॉटर को अपने पास बुलाता है। हैरी जब उस आईने में देखता है तो उसे पता चलता है कि पारस पत्थर उसके जेब में है, और जब वो अपने जेब को छूता है तो पारस पत्थर उसके जेब में आ गया था, लेकिन इस बारे में क्यूरियल को नहीं बताता और उसे झूठ कहता है कि मैंने आईने में खुद को डंबलडोर के साथ देखा। इससे वोल्डेमॉर्ट समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो क्यूरियल से कहता है कि मुझे पॉटर से बात करनी है। और जब क्यूरियल अपनी पगड़ी खोलता है तो क्यूरियल के पीछे वोल्डेमॉर्ट का सर होता है, क्योंकि शराब की वजह से वोल्डेमॉर्ट की बॉडी नष्ट हो गई थी, लेकिन उसकी आत्मा जिंदा थी, इसीलिए वो एक पैरासाइट की तरह क्यूरियल की बॉडी में रह रहा था। वो हैरी से कहता है कि मैं यूनिकॉर्न की पावर से जिंदा तो हूँ, लेकिन मेरी बॉडी मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं उस पारस पत्थर से अपना शेय हासिल करना चाहता हूँ। लेकिन हैरी वहाँ से भागने लगता है तो क्यूरियल उसे रोकता है और वोल्डेमॉर्ट हैरी को लालच देता है कि अगर तुम मुझे पारस पत्थर दे दोगे तो मैं तुम्हारे माता पिता को फिर से जिंदा कर दूंगा। लेकिन पॉटर उसकी बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि तुम झूठे हो। इससे गुस्सा होकर वो पॉटर पर हमला करता है और उसे मारने लगता है, लेकिन हैरी जैसे क्यूरियल के हाथ को छूता है तो मरने लगता है और उसकी पूरी बॉडी जलकर राख हो जाती है। लेकिन वोल्डेमॉर्ट अभी भी जिंदा था और उसकी आत्मा बाहर आकर पॉटर से गुजरते हुए वहाँ से निकल जाती है, जिससे पॉटर बेहोश हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि पॉटर की जब आँख खुलती है तो हॉस्पिटल में होता है और डंबलडोर हैरी से मिलने आते हैं। वो हैरी को बताते हैं कि तुम्हारे दोनों दोस्त बिल्कुल ठीक है, तो हैरी उनसे पारस पत्थर के बारे में पूछता है तो डंबलडोर उसे बताते हैं कि उसे निकलस ने नष्ट कर दिया है ताकि वो गलत हाथों में ना जाए, मगर इससे वो खुद भी मर जाएंगे। फिर हैरी उनसे ये भी पूछता है कि वो पत्थर मेरे पास कैसे आया था, तो डंबलडोर उसे बताते हैं कि तुम उस पत्थर को सिर्फ ढूंढना चाहते थे, इसीलिए तुम ही उस पत्थर को पा सके, क्योंकि तुम उस पत्थर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे और तुम्हारे इरादे नेक थे। साथियों हैरी को ये भी बताते हैं कि तुम्हें छूने से प्रोफेसर क्यूरियल इसीलिए मर गया क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए अपनी कुर्बानी दी, इसीलिए ऐसी कुर्बानियाँ अपना असर छोड़ जाती है, जिसे हम प्यार कहते हैं। फिर हैरी बाहर जाकर अपने दोस्तों से मिलता है और अब सभी दलों के पॉइंट सुनाए जाते हैं, क्योंकि यह साल खत्म हो चुका था और सबसे ज्यादा पॉइंट गरुड़ द्वार को मिलते हैं, क्योंकि हैरी और उसके दोस्तों के बहादुर कारनामों की वजह से डंबलडोर ने उन्हें एक्स्ट्रा पॉइंट दिए थे, जिससे सभी खुश होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि अब वो वक्त आ जाता है जब सभी स्टूडेंट को वापस अपने घर लौटना था। हैरी आखिरी बार हैग्रिड से मिलता है, जो उसे उसके माता पिता की एक बुक देते हैं, जिससे वो खुश होता है। साथ ही हैग्रिड उसे बताते हैं कि अगर तुम्हारे चाचा चाची तुम्हें परेशान करे तो तुम उन पर जादू कर सकते हो। फिर वो सभी अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो का 10K लाइक एम जरूर पूरा कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।